हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। तो क्विकर अप्रोच फॉर प्रीलिम्स के सेशन टू में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग देखेंगे उसी प्रीवियस सेशन को आगे बढ़ाते हुए टाइम एंड वर्क का ही सेशन रहेगा हमारा, सेशन नंबर टू। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और सेशन का पहला सवाल जो है वो देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल में क्या बोल रखा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए ने किसी काम को जो है वो 40 दिन में करा। ठीक है, एक सेकंड, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ए ने किसी काम को कितना दिन में करा? 40 दिन। ठीक है, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। बी ने उसे 60 दिन में किया। टोटल काम मैंने यहाँ से निकाल लिया 120। ठीक है, यहाँ से जब भी एलसीएम वगैरह लेंगे 40 60 120 हमारा आना, 40 से कट जाएगा 3 बार में और 60 से ये 2 बार में एफिशिएंसी दे देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ के बाद क्या बोल रहा है। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ठीक है, ए और बी ने काम को साथ में शुरू किया। ठीक है, इन द फर्स्ट 15 डेज, पहले 15 दिनों में ए वर्क विथ 50% ऑफ हिज एफिशिएंसी। अपने एफिशिएंसी का 50% से वो काम कर रहा है। देखो अब सबसे बड़ा चीज क्या है कि जब तुम एक तीन का 50% निकालोगे तो वो डेसिमल में चल जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डेसिमल में ले जाना कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, या उस चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली क्या सीखेंगे कि जब ये इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी मल्टीप्लाई होगा वो तीनों में मल्टीप्लाई होगा किसी कॉमन नंबर से। अब देखो अगर हमको ए की एफिशिएंसी का भी 50% निकालना है तो निकल जाएगा और बी का भी निकालना है तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल में आते हैं, पहले 15 दिनों तक ए ने अपने 50% का एफिशिएंसी से काम किया, बी जैसे काम करा था वैसे ही करेगा। तो यहाँ 3 × 2 = 6 है, 6 का 50% कितना हो गया? 3, और बी तो पूरा है तो 4 और 3 कितना? 7। 7 की एफिशिएंसी से 15 दिनों तक काम किया। फिर आगे देखते क्या, इन द नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिनों में बी वर्क विद 50% ऑफ हिज एफिशिएंसी। बी अब 50% की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ए के बारे में कुछ नहीं बोला है कि ए किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो ए अपना वही फुल एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी 3 × 6 के एफिशिएंसी से, और 4 का 50% करेंगे तो 2। 2 यानी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, और 8 के एफिशिएंसी से कितना दिन तक काम करेगा? 15 दिन तक काम करेगा। ठीक है, नाउ इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा इफ बोथ ऑफ देम वर्क विद फुल एफिशिएंसी। पूरे एफिशिएंसी से अगर काम कर रहे हैं तो कितना दिन में कंप्लीट होगा? कर लो भैया, 3 × 6 और 2 × 4, 6 × 4 कितना? 10। मान लिया कि x दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट होगा और इस तरीके से टोटल कितना काम होगा? 240 काम। अब यहाँ पे देखो 15 अगर कॉमन ले लें तो 8 और 7 = 15, 15 × 15 = 225। 225 जब चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 15 बच जाएगा। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 15/10 आ जाएगी, यानी कि कितना दिन मुझे लगेगा? 1.5 डे, 1.5 दिन मुझे लगेगा। और इसी के साथ हमारा आंसर जो हो गया वो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, तो बस चीजों को ध्यान से जो जो बोला है वो करते चले जाना है, उसके बाद आंसर तो ऑटोमेटिकली आ जाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या, अगला क्या बोल रहा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को जो है वो कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। ठीक है, बी उसी काम को जो है कितने दिनों में करता है? बी 45 दिनों में करता है। और आगे सी के बारे में भी दिया है, सी कैन डू द सेम वर्क अलोन इन 60 डेज। ठीक है, सी उसी काम को 60 दिनों में करता है। ठीक है, अगर मैं यहां से टोटल वर्क के बारे में मान लूं तो 30 45 और 60 का एलसीएम कितना हो जाना है? 180। 30 से 60 6 बार में, 45 से 4 और 60 से 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइकिल है। ठीक है, साइकिल क्या है देखो यहाँ पे समझो। इफ ऑन द फर्स्ट डे ए वर्क अलोन, ए ने अकेले काम करा पहले दिन। ठीक है, ऑन द सेकेंड डे ए एंड बी, ठीक है दूसरे दिन कौन काम करा? ए ने। अच्छा पहले दिन ए ने करा तो ए ने कितना किया होगा? 6 काम। दूसरे दिन ए और बी ने किया तो 6 और 4 कितना काम? 10 काम। 2 दिन में मेरा इतना काम हो गया। अभी काम नोट करते हुए चल जाते हैं। एंड ऑन थर्ड डे ए एंड सी वर्क टुगेदर, और तीसरा दिन ए और सी, यानी कि 6 और 3 कितना? 9 काम। अगर ध्यान से देखेंगे तो 9 × 6 = 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 25 हुआ हमारा, ये कितने दिनों का काम हो गया हमारा? टोटल 3 दिनों का। मतलब क्या है हमारा कि 3 दिन में हम लोगों ने कितना काम कर दिया? 25 काम कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। इफ दे रिपीट द साइकिल, और साइकिल इसी तरीके से, साइकिल कहने का मतलब क्या कि ये तीन जो प्रोसेस में काम कर रहे हैं, पहला दिन ए, दूसरा दिन ए बी, तीसरा दिन ए सी, ये साइकिल को फिर से चौथा दिन फिर ए बी फिर ए सी इस तरीके से करा रहे हैं,
तो हमारा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा ये बताना है। तो मुझे पहुंचना कहाँ है, 180 पे पहुंचना है। मैं डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ 25 के मल्टीपल में 180 के नीचे जो होता है वो उस नंबर तक पहुंचता हूँ। 180 के नीचे 25 का मल्टीपल जो कि 175 देगा, 25 में 7 बार गुना करने पे होगा, तो 7 बार यहाँ पे भी गुना कर देंगे, यानी 21 दिन में जो है वो मेरा कितना काम हो गया, 175 काम हो गया। ठीक है, अब 22वां दिन जब आएंगे तो 22वां दिन ये पहला साइकिल के अनुसार पहला बंदा आएगा काम करने के लिए, ये कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। लेकिन मुझे जो काम कराना है वो काम तो सिर्फ 180 कराना है, 175 काम हो गया मेरा, तो काम मेरा बचा कितना, 5, और ये एक दिन में करता कितना है, 6। तो यहाँ पे ये काम तो ज्यादा कर दे रहा है, तो 5 काम करने में इसे कितना समय लगेगा, तो 5 काम करने में इसे लगेगा 5/6 दिन। ठीक है, कितना समय लगेगा, 5/6, जस्ट जितना काम बच रहा है बटे में वो जितना करता है एक दिन में उसको कर देना। तो 21 दिन यहाँ चला और 5/6 दिन यहाँ चला, तो आंसर क्या हो गया, 21 + 5/6 जो कि क्या दे देगा हमारा, 21 whole 5/6 दिन। ठीक है, हो गया हमारा आंसर, कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये 5/6 वाले को एक बार ढंग से समझ लो, जिनको इस पार्ट में दिक्कत होता है, ये क्या है हमारा, यहाँ 21 दिन तक तो क्लियर होगा, बहुत ही आसान है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद तुम देखो यहाँ समझो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये एक दिन में ये बंदा आता काम करने के लिए, तो ये 6 काम करता। ठीक है, यानी कि 6 यूनिट ये काम कर रहा होता कितने दिनों में, एक दिनों में। लेकिन क्या मुझे इससे 6 यूनिट करवाना था, नहीं, मुझे इसे क्या करवाना था, सिर्फ 5 यूनिट करवाना था। तो एक यूनिट ये बंदा कितना दिन में करेगा, 1/6 दिन में। तो 5 यूनिट ये बंदा कितना दिन में करेगा, 5/6 दिन, मतलब उस दिन जो है 22वां दिन पूरा दिन काम नहीं चला, सिर्फ 5/6 दिन ही काम, मतलब एक दिन का 5/6 ही काम चला। ठीक है, तो 21 दिन पूरा पूरी चला और 5/6 और चला, यानी कि 21 और कितना हो गया, 5/6, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, अगला सवाल में हमारा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, ए अकेला किसी काम को 21 दिन में कर लेता है। ठीक है, बी इज 50% मोर इफिशियंट देन ए। देखो जब भी बोले ना परसेंट इफिशियंट, तो जिस जिसके बारे में बोले उसका एक फ्रैक्शन लिख लो, इधर ए बी या बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, 50% मोर इफिशियंट देन ए, ठीक है, ए से 50% अधिक। अगर तुम्हें 50% का फ्रैक्शन मालूम हो तो ये होता है 1/2। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं ए का 2 है तो 2 से 50% अधिक, यानी कि 1 और अधिक, तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी इज ट्वाइस इफिशियंट एज बी, फिर से देखो सी और बी के बारे में, तो सी और बी का एक स्ट्रक्चर हम लोग लिख लिए, सी जो है बी का ट्वाइस है, तो बी देखो मिलाना है तुम्हें, यहाँ जो बी आया ना वही बी यहाँ लाना कोशिश करने का। ठीक है, तो बी यहाँ 3 ले लेते हैं, तो सी कितना हो जाएगा, 6। तो ए के लिए तुम इफिशियंसी में 2 यूज करोगे, बी के लिए 3 यूज करोगे, सी के लिए 6 यूज करोगे, बस इतना ही यूज करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ आगे। देखो यहाँ से हमने एक फायदा तुम्हारा क्या हो गया इफिशियंसी निकालने से, कि 21 दिन में कर रहा है तो तुम यहाँ से टोटल वर्क तुरंत निकाल सकते हो कि टोटल वर्क 21 × 2 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ के बाद क्या होगा, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड वर्क फॉर सम डेज, कुछ दिन तक काम किया एंड देन लेफ्ट द वर्क, काम को छोड़ दिया। बी एंड सी ज्वाइंट टूगेदर, बी और सी ने काम किया एंड कम्प्लीटेड द वर्क इन 2 days। ठीक है, और काम को खत्म कर दिया, कितने दिनों में खत्म कर दिया काम को, 2 दिनों में उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि ए ने तो शुरू किया था, कितना दिन तक काम किया, एक्स दिन तक काम किया। अब इसके बाद कौन काम किया, बी और सी ने काम किया, बी और सी ने बचा हुआ काम को कितने दिनों में खत्म किया, 2 दिनों में, यानी कि 6 दिन कितना, 9। 9 के इफिशियंसी से इन्होंने 2 दिन तक काम किया और टोटल कितना काम कर दिया, 21 × 2। देखो मैं ना मल्टीप्लाई लास्ट में करता हूँ, ठीक है, क्यों, देखो इसका फायदा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दिखा क्या फायदा, तुरंत कट गया ना, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 21 में जब तुम 9 घटा दोगे तो ये तुम्हें 12 दे देगा, यानी कि ए ने अकेले कितना दिनों तक काम किया, 12 दिनों तक, हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए ने अकेले, यही पूछा है सवाल में, हाउ मेनी डेज ए वर्क्ड अलोन, ए ने अकेले कितना दिन तक काम किया, अकेले यही पूछता है इसमें कि टोटल काम कितना दिन में हुआ, तो भैया 12 दिन यहाँ का, 2 दिन यहाँ का, 12 तो कितना, 14 दिन हो जाता अगर टोटल पूछता तो, लेकिन अकेले का पूछा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं, तुम्हें याद होगा कल के वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में जो है मैंने बताया था एक चीज कि काम बिगाड़ने वाला भी होता है, लेकिन अगर उसके बारे में चर्चा है तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे, जब चर्चा नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बनाता है। ठीक है, 6 दिन में क्या करता है, बनाता है।
लेकिन बी जो है वो क्या करता है, 4 दिन में गिरा देता है, बी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने का। थोड़ा सा हिंट कोडिंग के लिए, ये यहाँ पे अगर याद नहीं रहता है, सॉरी अगर याद नहीं रहता है तो ये तुम यहाँ पे जो है बी के लिए अगर काम बिगाड़ रहा है तो ये निगेटिव का सिंबल ले लो। यही सेम कंसेप्ट जो है पाइथन सिस्टम में भी लगता है। ठीक है, ए हैज वर्क फॉर 6 डेज, ए जो है 6 दिन तक काम किया। ठीक है, टोटल काम हम मान लेते हैं 12, 6 से कट गया, 6 से काट देते हैं हम लोग 2 बार में और 4 से 3 बार। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए हैज वर्क फॉर 6 डेज, ए ने 6 दिनों तक जो है वो काम कर, ठीक है, ए ने क्या किया 6 दिन तक। अब हमें मालूम है 6 दिन में भैया वो पूरा काम कर दे रहा, तो पूरा काम तो मेरा खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन क्या बोला यहाँ सवाल में, अब ये चीज समझो, ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज, अंतिम 2 दिनों में, ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग, जिसमें बी ने क्या किया था, काम बिगाड़ने का काम कर दिया। ठीक है, लास्ट के 2 दिनों में जो है बी ने क्या किया, काम को बिगाड़ दिया, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक चीज देखो कि लास्ट के 2 दिनों में बी ने काम कितना बिगाड़ा होगा, तो 3 × 2 काम बिगाड़ा होगा। ठीक है, 3 × क्या किया होगा, 2 काम बिगाड़ दिया होगा, क्योंकि बी की काम बिगाड़ने की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 3 × कितना काम बिगाड़ दिया उसने, 6 काम बिगाड़ दिया। अब इस 6 काम को किसे करना है, ए ने करना है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन, ए अकेले इस काम को करे कि काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो काम कंप्लीट हो जाने का मतलब इसी 6 काम को ना करना है ए को, ए की एफिशिएंसी कितनी, 2, तो 2 से काट दो, यहाँ पे 2 से कट गया, कितना बार में, 3 बार में, 3 दिन उसे और लगेंगे उस काम को करने में, हो गया हमारा आंसर 3 दिन। क्लियर है बात, बस काम बिगाड़ना है तो उसे निगेटिव मान के चलना है, कि उसे ऐड नहीं करना है वहां पे, उसे क्या करना है, निगेटिव लेके चलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारे क्या, फिर क्या बोल रहा है अगला सवाल में हमारा, बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को जो है वो कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। लिख दो भैया ए कितना दिन में कर रहा है यहाँ पे, 12 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को 16 दिन में, बी 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने 12 दिन और 16 दिन रिस्पेक्टिवली बी एंड ए। ठीक है, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, चलो भैया यहाँ से टोटल काम मान लो 48, 12 से 4, 16 से 3, एफिशिएंसी वगैरह निकल गई। ठीक है, ए स्टार्ट करता है काम को अलोन, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन, कितने दिनों के बाद बी ज्वाइन करे, सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 9 डेज, काम जो है 9 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, हम लोग इसको दो दो तरीका से देखेंगे। सबसे पहला तरीका जो इक्वेशन बनाने का होता है वो क्या है, अब यहाँ पे ये समझो, ए ने काम शुरू किया। ठीक है, चलो ए ने काम शुरू किया और उसने कुछ एक्स दिन तक काम किया, और एक्स दिन के बाद जो है कौन आ गया, हमारा बी आ गया, ए ने छोड़ा नहीं, मतलब ए और बी जो है वो साथ में काम कर रहे हैं, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, और काम जो है सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 9 डेज, काम जो है वो कितने दिनों में खत्म हो गया, 9 दिनों में खत्म हो गया, टोटल काम ना 9 दिनों में खत्म हो रहा है, जिसमें एक्स दिन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 9 - x, क्योंकि ये जो काम करेंगे ये तो 9 - से घटा के करेंगे, और इस तरीके से हमारा टोटल कितना काम हो गया, 48 काम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी डायरेक्ट, जैसे देख लो यहाँ पे 4x है और 7x है। ठीक है, तो घट के ये क्या दे देगा, 3x दे देगा, और 7 × 9 = 63, 63 जब तुम 48 में, 63 जब तुम 48 में घटा दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा 15, यानी कि कितना हो गया 15, 3 से काट दिया 5 बार में, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डे आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 5 डे आ गई तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, 4 नंबर, यानी कि हमसे क्या पूछा था सवाल में, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी ज्वाइन, तो बी कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया, x दिनों के बाद, यानी कि 5 दिनों के बाद ज्वाइन किया। अब इसी सवाल में हम लोग एक भाषा और भी, भाषा को देखो पकड़ना है, ठीक है, एक भाषा और भी यूज कर सकते हैं, कि यहाँ पे बोला काम तो 9 दिन तक चला और बी कुछ दिन के बाद आया था, तो ए तो शुरू से लेके अंत तक तो करा था ना, तो ए को शुरू से लेके अंत तक करा दो, 9 दिन तक ए को करा दो, 9 × 4 कितना, 36। ठीक है, तुम्हारा टोटल 48 काम है जिसमें तुम्हारा 36 काम हो गया, तो काम कितना बचा, 12। अब ये 12 काम कौन कर रहा है, क्यों बच गया ये 12 काम, क्योंकि ए ने शुरू से लेके अंत तक तो कर दिया, क्योंकि बीच में बी आया था। ठीक है, तो बी जब आया तो बी ने इस 12 काम को कितने दिनों में खत्म किया, मतलब 4 दिनों में खत्म किया। ठीक है, ये 4 दिन कब से थे, अंतिम से 4 दिन, जैसे ये हमारा शुरू से लेके अंत तक काम था, तो ये अंतिम से 4 दिन तक बी ने काम किया। ठीक है, जब टोटल 9 दिन है हमारा, तो 4 दिन तक बी ने काम किया, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 5 दिन, मतलब इस 5 दिनों के बाद ये आया। ठीक है,
हमसे ये नहीं पूछा है कि बी ने काम कितना दिन तक किया, हमसे ये पूछा है कि कितने दिनों के बाद बी ने ज्वाइन किया, तो कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया, 5 दिनों के बाद। ठीक है, तो बहुत सारे अप्रोच है बनाने के, जो अच्छा लगे वो बना लो, कोई डिफरेंसेस नहीं है दोनों में से, कभी नहीं अटकोगे, दोनों ही सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखो, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। विजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, चलो लिख दो विजय कितना दिन में करता है, 24 दिन में। राकेश कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। राकेश उसी काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन। ठीक है, विजय 24 दिन में करता है, राकेश 30 दिन में करता है, और ये विजय है और अगला जो है वो विनोद है। ठीक है, विनोद ये कितना दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है। ठीक है, इतना ही ले लो एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाना है, 120 हो जाना है। ठीक है, अब 120 जैसे हो गया तो 24 से 5 बार में, 30 से 4 बार में, 4 से 3 बार। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद क्या बोल रहा है सवाल में, विजय एंड विनो वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिनों तक काम किया, हैंडेड इट टू राकेश, फिर राकेश को हैंडेड कर दिया। राकेश वर्क फॉर सम डेज, कुछ दिन तक राकेश काम किया, एंड हैंडेड अगेन टू विजय एंड विनोद, विजय और विनोद को हैंडेड कर दिया। कब हैंडेड किया, 6 डेज बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क, काम खत्म होने के 6 दिन पहले फिर से विनोद को दे दिया, विजय और विनोद को दे दिया। ठीक है, मतलब अंतिम के 6 दिनों में वो क्या किया, विजय और विनोद ने काम किया। अगर मैं तुम्हें लाइन ग्राफ से समझाऊं तो देखो, मैंने इस चीज को कल भी जिक्र किया था, लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया है कि विजय और विनोद जो है पहले वो 4 दिन तक काम किए, विजय विनोद। ठीक है, फिर राकेश को दे दिए, कुछ 1 दिन तक काम किया। राकेश ने क्या किया, काम खत्म होने के 6 दिन के पहले, ठीक है, मतलब अंतिम के 6 दिनों में इसने फिर से विजय और विनोद को दे दिया। तो एक चीज देखो, विजय और विनोद ने 4 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, कितना दिन काम किया, 10 दिन। देखो लाइन ग्राफ से फायदा, ठीक है, और ये चीजें मैंने तुम्हें बताई है कि ये चीजें तुम्हें दिमाग में करनी है। ठीक है, 10 दिन तक, 10 दिन में 5 दिन 8 के एफिशिएंसी से कितना काम हो गया, 80 काम हो गया, डायरेक्ट निकल गया 80। अब 120 में 80 चला गया तो कितना काम बचा, 40। कौन कर रहा है, राकेश। ठीक है, बोल रहा है हाउ मेनी डेज डिड राकेश वर्क, राकेश की एफिशिएंसी कितनी, 4। 40 से 4 काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, हो गया तुम्हारा आंसर 10 दिन। यानी कि राकेश ने कितना दिनों तक काम किया, 10 दिनों तक काम किया। देखो कितना बड़ा सारा सवाल था, ठीक है, लैंग्वेज समझोगे तो इजिली बन जाएगा, यही है सिर्फ लैंग्वेज का कंडीशन। ठीक है, और टाइम एंड वर्क का लैंग्वेज तो एकदम इजी होने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, देखो अगले सवाल में क्या है हमारा, बोल रहा है ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 होल 2/5 डेज। ए और बी मिल के किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 14 2/5 डेज में करते हैं। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे तो ये कुछ 72/5 डेज देगा। ठीक है, बी और सी उसी काम को, बी और सी मिलके 10 होल 2/7 डेज में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 72/7 डेज हो जाएगा। ए अलोन स्टार्ट एंड वर्क फॉर 8 डेज। पहले यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क अगर तुम देखोगे तो ये हो गया 72, इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 7। मैंने बताया था तुम्हें कि फ्रैक्शन में जब देता है तो हम लोग सिर्फ नंबरेटर का, ठीक है, अंश का सिर्फ एलसीएम निकाल, डिवाइड दे देना है। ठीक है, अब यहां से समझो यहाँ पे क्या है, ए ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद बी उसे रिप्लेस कर देता है, एक स्ट्रक्चर बनाया। ए ने 8 दिनों तक काम किया, उसके बाद बी आ जाता है, बी देन वर्क फॉर नेक्स्ट 12 डेज, बी ने अगले 12 दिनों तक काम किया, एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई सी इन नेक्स्ट 5 डेज, और बचा हुआ काम जो है वो सी करता है कितने दिनों में, 5 दिनों में। ठीक है, बचा हुआ काम, अब अच्छा यहाँ पे बचा हुआ काम जब खत्म हो गया तो टोटल काम तो भैया खत्म हो गया ना, अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाई ए बी सी टूगेदर टू कम्प्लीट दैट वर्क, उस काम को खत्म करने में ए बी सी के द्वारा, इफ सी वर्क विथ 50% ऑफ हिज यूजुअल एफिशिएंसी, अपनी यूजुअल एफिशिएंसी का सिर्फ 50% से अगर सी काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा ये बता। अब देखो इस स्ट्रक्चर में हमें इफिशियंसी जो मालूम है वो ए प्लस बी का है और बी प्लस सी का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ये 12 बी है, क्या इसको 8 बी और प्लस में 4 बी लिख सकते हैं, कैसे 8 बी गेस किए, यहां से 8 था तो 8 कॉमन हो जाएगा, और ये 5 सी है तो इसको क्या करेंगे, 4 सी और सी में कर देंगे,
अब ये और ये में तुम देखो आठ कॉमन है, तो आठ अगर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, जहां ए और बी क्या है, ए और बी का रेस्पेक्टिव इफिशियंसी है। इस 4b और इस 4c में अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा, एंड फिर फाइनली c बच के 72 देगा। अब देखो a प्लस बी का एफिशिएंसी मालूम 5, b प्लस सी का 7 मालूम, हो गया खत्म। 8 इंटू 5 करोगे तो 40 और 7 इंटू 4 करोगे तो 28, 40 प्लस 28 प्लस में c इज इक्वल टू कितना हो गया 72, ठीक है। 40 प्लस 28 तुम्हारा कितना हो जाएगा 68, 72 में चला जाएगा, यानी c की एफिशिएंसी कितनी निकल गई 4। अच्छा बी और सी सात है, अगर सी चार है तो बी कितना हो जाएगा 3, अगर बी यहाँ 3 है तो ए कितना हो जाएगा 2, हो गया खत्म। अब हमें क्या निकालना है, मेन देखो हमें समय निकालना है, कौन सा समय निकालना है, जहां ए बी सी काम करें, जहां ए अपने पूरे एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, बी अपना पूरा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, बस बेईमानी कौन कर रहा है, सी कर रहा है, बोला ना सी 50%, ठीक है। तो सी का एफिशिएंसी 4, 50% क्या हो जाएगा 2, 2 2 4 और 3 कितना 7, यानी 72/7 कहीं हमें 10 whole 2/7 डेज दे देगा, हो गया हमारा आंसर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस सवालों को करना होता है, ये सवाल बहुत ही पॉपुलर है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि ये पूछने का जो यहां से यहां का जो नजरिया है ये बदला हुआ है, हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग अलग मिले, तो ये अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस तरीके से वहां पे देख रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगा। अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करते जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किए हो, ताकि जो भी वीडियोस आए वो तुम तक जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। दूसरा, इस वीडियो को अगर देखने में अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में हर जगह लगा लेना और थोड़ा शेयर कर लेना, ताकि हमें भी ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग भी आपके माध्यम से पहुंचा सकें, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।